वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं ये वीडियो अपने सब्सक्राइबर के लिए बना रही हूँ। कई सब्सक्राइबर मेरे से कमेंट में पूछते रहते हैं, दीदी आप कैसे हो। उनके मन में भी कई सारे सवाल रहते हैं, तो आप मेरा ख्याल पूछने के लिए पहले तो धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब से इतना मुझे प्यार मिल रहा है। और रही बात कि सबके मन में एक मतलब कि क्वेश्चन चलता रहता है, जैसे कि मेरे चलता था कि क्या मैं थर्ड सिजेरियन डिलीवरी मतलब चांस ले सकती हूँ, उसमें कितना गैप होना चाहिए। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ था वो कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया है। और तो मुझे मतलब उन लोगों का कमेंट देख के बुरा भी लगता है, क्योंकि जो उन लोगों के साथ हो चुका है वो मेरे साथ भी हो चुका है। तो मुझे मतलब मैं समझ सकती हूँ कि कितना मतलब कि कितना बुरा समय रहता है वो हमारे लिए। तो सभी सब्सक्राइबर से मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अपना बेबी खोया हुआ है और वो भी सिजेरियन डिलीवरी से, तो आप बिल्कुल चांस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा सिजेरियन डिलीवरी हो गया तो हमें प्रॉब्लम होगी या हमारा थर्ड चांस हम नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि पहले नॉर्मल जब डिलीवरी होती है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से आप थर्ड फोर्थ चांस ले सकते हैं। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी के लिए सभी डरते हैं और हस्बैंड लोग तो खासकर डरते हैं, कि मेरे हस्बैंड खुद मना कर रहे थे कि मैं अब थर्ड चांस अब नहीं लूँगा, वो तो मेरे जिद के कारण। और जब डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब उन्होंने थर्ड चांस लिया। तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या मुझे प्रॉब्लम हुई, क्या आप भी कर सकते हैं, थर्ड चांस ले सकते हैं, कितना गैप रख सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, पहला तो है, अगर आपने अपना बेबी खोया है और आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, आपका सिजेरियन डिलीवरी से आपने खोया है, तो आप ज़्यादा लेट ना करके आप दोबारा से कंसीव कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ इशू आपको नहीं है, आप थोड़ा सा जब इंसान अपना बेबी खोलता है ना, उसके बाद तो वो खुद अपना ध्यान नहीं रख पाता है, हेल्थ इशू हो ही जाता है, कई प्रकार की टेंशन होती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी यही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होने से अच्छा थोड़ा सा आप फिजिकली आप थोड़ा सा मतलब झेल लो, फिजिकली थोड़ा सा सहन कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर है मेंटली से, क्योंकि मेंटली मैंने भी झेला है, क्यों वो सही नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल अगर आपने बेबी खोया सिजेरियन डिलीवरी से, तो आप 8 मंथ के बाद आराम से आप जो चांस ले सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, आपका डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैं इस समय यहाँ पे गाज़ियाबाद दिल्ली NCR में हूँ, और मैं यहाँ पे मतलब जिस डॉक्टर को दिखा रही हूँ तो उस डॉक्टर के ऊपर मुझे पूरा ट्रस्ट है, और उसी ने ही मुझे सजेस्ट किया है कि आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा अभी 7 मंथ रनिंग है, और मेरे 10 डेज बाद मेरा 8 मंथ लग जाएगा, तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, जबकि मेरे में तो और भी कम गैप रहा है। थर्ड सिजेरियन डिलीवरी में मेरे मतलब काफ़ी कम गैप रहा है, और स्टार्टिंग में तो मैं मेरे हस्बैंड दोनों डर गए थे, कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम तो मैं देखती हूँ कि जिनका नॉर्मल डिलीवरी, जिनकी फर्स्ट बार जो प्रेग्नेंट है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आज के डेट में प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हर एक किसी को होती है, ये चाहे उसका नॉर्मल डिलीवरी हो या उसका सिजेरियन डिलीवरी हो, प्रॉब्लम होती है, फिजिकली होती है, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर हो चुका है, इसमें हम लोगों की भी कोई गलती नहीं है। तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आप एक अगर मेंटली डिस्टर्ब रह के चलोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्थ इशू आपके लिए आगे चल के बन सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है
कि आप सभी कहते हैं जिनके जिनके साथ जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ तो हुआ, वो मैंने कमेंट में पढ़ा, कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है तो मुझे बहुत दुख भी हुआ। तो आप बिल्कुल आप चांस ले सकते हो, आप केयर कर सकते हो। और मैं अपना बता दूं कि मेरा थर्ड सजेरियन में बहुत ही कम गैप था, फिर भी मुझे मैं अपना ध्यान दे रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से बेड रेस्ट करके चल रही हूँ, मुझे कोई भी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है। मीन्स कि जितना मैंने फर्स्ट सेकंड डिलीवरी में मुझे जो हुआ है और जो मैं देखते आ रही हूँ जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसको भी प्रॉब्लम होती है, वैसे मुझे भी हो रही है, और इसके अलावा वैसे प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये भी बता दूँ, जितना मैं पहले मेंटली डिस्टर्ब रहती थी और मेरी बीपी लो हो जाती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, रोना आता था हर बात पे, तो जब से मैंने कंसीव किया है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी खुशियाँ फिर से मुझे वापस मिल जाएगी। तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट है कि भगवान जिसका जिसका जो छीने हैं तो उन्हें वापस कर दें, उनकी खुशियाँ वापस कर दें, क्योंकि मैं एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ कि 9 महीने पेट में रख के और उनके साथ ऐसा जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है, वो एकदम से मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप भी दोबारा चांस, अगर आप हुआ तो आप 8 मंथ बाद आप दोबारा चांस ले सकते हो, और अपने बराबर, लेकिन लास्ट बात मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप एक ही डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपने डॉक्टर को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग से एक ही डॉक्टर को कंसल्ट करो और से कंसल्ट करो और उसी से ही डिलीवरी कराओ तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आ सके, और आपके जो भगवान जिसके जिसके भगवान खुशियाँ छीने उन्हें वापस कर सके, और मेरे तरफ से आपको कुछ हिम्मत मिल सके। मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आपको कुछ हिम्मत मिल सके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट देखे मुझे बहुत ही बुरा लगा, मैं बराबर रिप्लाई नहीं कर सकती। कई लोगों ने मेरे से बोला कि दीदी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या बात करना चाहती हूँ वो मुझे पता है, क्योंकि मेरे मन में भी यही सब चलता रहता था, मैं भी वीडियो सर्च करती रहती थी कि थर्ड सजेरियन, क्योंकि अपने इंडिया में थर्ड सजेरियन इतना मैंने नहीं सुना किसी का कि थर्ड सजेरियन होता होगा, बट मैंने नहीं सुना। और फॉरेन कंट्री और अदर कंट्री में तो 4th-5th सिजीरियन भी हो जाते हैं, लेकिन अपने इंडिया में इतना, मतलब अभी 3rd या 4th सिजीरियन इतना भी नहीं होता है, तो सबके मन में ये डाउट बना रहता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, आप बिल्कुल आप कंसीव कर सकते हो, अगर आपका 8 मंथ हो गया है और 10 मंथ हो गया है तो आप कंसीव कर सकते हो और अपना पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अगर आप मेरी वीडियो ज़रा से भी आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके काम आई हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।